नमस्कार, मैं सुरभि आनंद और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव न्यूज। अमरावती की सांसद नवीनतम राणा हाल के दिनों में लगातार सुर्खियों में रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वो आर पार की लड़ाई लड़ चुकी है। उद्धव के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान करते ही उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। यहाँ तक कि उन्हें पति रवि राणा के साथ जेल तक भी जाना पड़ा। फिर भी जेल से बाहर निकलने के बाद नवीनतम राणा के तेवरों में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। वह उद्धव पर लगातार हमला बोलती रही। उन्होंने उद्धव को लोगों के बीच जाकर चुनाव जीत कर दिखाने की चुनौती तक दे डाली थी। इसके चलते सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे भी कह चुके हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाने वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी को हुआ है। वह अपने मूल एजेंडे से हट गई है, लेकिन इतने ही समय में महाराष्ट्र के हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। उद्धव ठाकरे की कुर्सी कभी भी जा सकती है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने उनका हाल बेहाल कर दिया है। उद्धव पिता बाल ठाकरे की बनाई शिवसेना पर कंट्रोल खो चुके हैं। दूसरों की तो नहीं कह सकते, लेकिन उद्धव सरकार पर छाए संकट ने नवीनतम राणा को जरूर उत्साहित किया है। दिल्ली में उनका फिल्म पुष्पा का मैं नहीं झुकने वाला पोज बहुत कुछ कहता है। शुक्रवार नवीनतम राणा दिल्ली में थी। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने इसी दिन अपना नामांकन दाखिल किया था। आपको बता दें कि निर्दलीय सांसद नवीनतम राणा भी इस मौके पर मौजूद रहे। संसद पहुंचने पर उन्होंने मीडिया कर्मियों को एक खास पोज में तस्वीर दी। जी हां, यह पोज जानी मानी फिल्म पुष्पा का है, जिसमें यह पोज एक कहता है मैं पुष्पा झुकेगा नहीं। मतलब कहीं ना कहीं नवीनतम राणा ने इनडायरेक्ट वे में उन्होंने पुष्पा का पोज देकर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। इसे महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक संकट के साथ जोड़कर भी देखा गया है। नवीनतम राणा के तेवरों में नहीं आया फिर से बदलाव, तो आप नवीनतम राणा के इस पोज पर क्या कहेंगे? इस खबर पर आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद।